हे गाइस, माहौल सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स फॉर्मूला 50 बैच फास्ट ट्रैक बैच। सरकार इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी एंड कस्टम्स, वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक्स फॉर जीएसटी एंड कस्टम्स इन अ फास्ट ट्रैक मैनर, सो दैट आपके पास जो टाइम कम बचा है उसके अंदर आप पूरे सिलेबस को कवर कर पाए। सरकार, शुरू करते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले जब हम जीएसटी की बात करते हैं, वी आर बिगनिंग विथ जीएसटी सबसे पहले, उसके बाद हम कस्टम की बात करेंगे। तो सर, जब हम जीएसटी की बात करते हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में बात आती होगी, सर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से 1 जुलाई 2017 से पुराने सारे लॉ हटा के और सर जीएसटी लाया गया, सर आखिर ये क्या तकलीफें थी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर जीएसटी में कौन कौन से टैक्सेस मर्ज हुए, टैक्सेस सबस्यूम्ड इन जीएसटी। सरकार, मैं आपको बता देता हूं, गवर्नमेंट का सपना 1 जुलाई 2017 ऐसा नहीं कि रात को सपना आया और सुबह जीएसटी लाया, कई सालों की मेहनत के बाद, कई सालों से सपना देखा है लोगों ने और सरकार ने कि सर सर्विस टैक्स, एक्साइज, वेट, कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस मर्ज होकर सिंगल टैक्स बन जाए, और वो कई सालों की मेहनत पूरी हुई और सर 1 जुलाई 2017 सर सरकार जीएसटी डे के नाम से, सरकार इट्स डॉक्टर डे ऑल्सो, अगर जीएसटी समझ नहीं आए तो डॉक्टर डे तो है ही सर हमेशा। ओके, तो सर हम शुरू करते हैं बातें रिगार्डिंग इनडायरेक्ट टैक्स, रिगार्डिंग जीएसटी की कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम हुए वहां से हम शुरू करते हैं। तो सर देखिए, आपके सामने आ गए टैक्सेस सब्स्यूम्ड इन जीएसटी। आपको बताया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में कई सारे टैक्सेस, देखो हमारी जो गवर्नमेंट है, ड्यूअल गवर्नमेंट बेस्ड सिस्टम है हमारे पास, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू चाहिए अपने एक्सपेंसेस मीट आउट करने के लिए, अपने बजट्स को पूरा करने के लिए। सेकंड, स्टेट गवर्नमेंट को भी फंड्स चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू चाहिए सो दैट वो अपने सर टारगेट्स को पूरा कर पाए, अपने काम को कर पाए। सर अब इनके लिए टैक्सेस डिवाइड किए हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारतीय संविधान ने रेवेन्यू डिवाइड करी हुई कि ये टैक्स स्टेट गवर्नमेंट का होगा, ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। तो उनमें से कुछ टैक्सेस जो मर्ज हो गए, जो सब्स्यूम हो गए जीएसटी में, देखिए कौन कौन से है। सबसे पहली बात हम बात अगर करें तो सर सेंट्रल लेवीज कौन कौन सी सब्स्यूम हुई अंडर जीएसटी। सबसे पहला सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज, ये मर्ज हो गई। सेकंड, सर्विस टैक्स। अच्छा, ये टैक्सेस किस किस पर लगता था, कैसा लगता था, वो सब पढ़ने की अपने जरूरत नहीं है, बस ये नाम ध्यान रखना है कि ये टैक्सेस मर्ज हुए। सेकंड, सर्विस टैक्स। थर्ड, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। देन सीवीडी मतलब काउंटर वेलिंग ड्यूटी, जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर कस्टम लगता था। भाई कस्टम मर्ज नहीं हुआ है, कस्टम ड्यूटी अभी भी है, कस्टम के साथ में एक एडिशनल ड्यूटी लगती थी टू इक्वलाइज द एक्साइज, वो थी काउंटर वेलिंग ड्यूटी। स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी, जो वेट को इक्वलाइज करने पर इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर एडिशनल ड्यूटी लगती थी सर 4% जो हुआ करता था, वो भी मर्ज होगी क्योंकि वेट और एक्साइज दोनों मर्ज हो गए। देन सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी, सरचार्जेस एंड सेसेस इन सो फार एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सेंट्रल लेवीज मर्ज हो गई जीएसटी में। देन स्टेट गवर्नमेंट के कौन कौन से टैक्सेस मर्ज हुए, देखिए स्टेट सरचार्जेस एंड सेसेस इन सो फार दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सेकंड, एंटरटेनमेंट। भाई जीएसटी से पहले जब हम मूवीज देखने जाते थे थिएटर में तो सर बहुत मजा आता था। मूवीज क्यों देखते हो, फॉर एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। एंड सर देर वॉज अ टैक्स ऑन दैट एंटरटेनमेंट विच वॉज कॉल्ड एंटरटेनमेंट टैक्स, तो सर वो भी मर्ज कर दिया है जीएसटी के अंदर सर। पर हाँ, एक्सेप्ट दोज विच वॉज लेविड बाय लोकल बॉडीज, लोकल बॉडी के टैक्सेस मर्ज नहीं हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस मर्ज हुए। देन टैक्स ऑन लॉटरी, बेटिंग एंड गेमलिंग। देन एंट्री टैक्स, ऑल फॉर्म्स एंड परचेज टैक्स। देन वेट एंड सेल्स टैक्स, सरकार सबसे इंपॉर्टेंट। देन लग्जरी टैक्स एंड टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट्स, दीज आर दी टैक्सेस विच गोट मर्ज्ड इन जीएसटी। तो सरकार ध्यान रखना, लगभग लगभग ये तो केवल एक लिस्ट दी है, लगभग 17 टैक्सेस, ये तो केवल हेड दी है, 17 टैक्सेस मर्ज हो गए जीएसटी के अंदर। तो सर सोचिए कितना बड़ा रिफॉर्म था सर, इंडिपेंडेंट इंडिया का सर सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म था जीएसटी लाना, क्लियर। तो सर ये कोई आसान काम नहीं था, कई सालों की मेहनत के बाद और मोदी जी के बोल्ड डिसीजन मेकिंग पावर के बाद ये हो पाया है। 1 जुलाई 2017 को सपना पूरा हुआ और सर एक टैक्स बन गया, ये सारे टैक्स मिला के नाम क्या था, जीएसटी। अब सर जैसे ही हम बात करते हैं कि सर ये सारे टैक्सेस मर्ज हो गए, सिंगल टैक्स बन गया जीएसटी, अब ये जीएसटी रेवेन्यू किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा या स्टेट गवर्नमेंट का होगा, क्योंकि सर सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस भी मर्ज हुए और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस भी मर्ज हुए।
इसलिए ऐसा तो नहीं कर सकते कि जीएसटी हम केवल केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दे या स्टेट गवर्नमेंट को दे दे, नहीं साहब, इसलिए जीएसटी के अंदर बोला मिल बांट के खाएंगे, आधा तुम्हारा आधा हमारा। एंड सर दो टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सीजीएसटी इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजीएसटी इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। समझा मेरी बात? अच्छा, कैसे कैसे ये मर्ज हुआ हम और धीरे धीरे बात करते हैं, पर हां सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर पुराने लॉज के अंदर क्या तकलीफ थी, क्या लकुना था पुराने लॉ के अंदर जिसकी वजह से जीएसटी को लेकर आया सरकार। देखिए मैं एक एग्जांपल लेकर आ रहा हूं आपके सामने जो मैंने आपके लिए लिखा है। चलिए बात करते हैं रिगार्डिंग दिस पॉइंट। चलिए सर पहले मैं आपको बताता हूं, इमेजिन करेंगे हम सिचुएशन जब सर्विस टैक्स एक्साइज और वेट हुआ करता था बिफोर 1st of July 2017। तो 1st जुलाई 2017 से पहले जब हिंदुस्तान में जीएसटी नहीं था तब क्या था साहब? ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एक्साइज लेवी होता था, ऑन सेल ऑफ गुड्स वेट या सीएसटी लेवी होता था, एंड ऑन सर्विसेज सर्विस टैक्स लेवी होता था बेटा। ओके सर, ये मोटा मोटी मेजर जो टैक्सेस थे उसके बारे में बता रहा हूं, जो मेजर रेवेन्यू थी गवर्नमेंट की। आई रिपीट, ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एक्साइज लेवी होता था, ऑन सेल ऑफ गुड्स वेट लेवी होता था, एंड ऑन सर्विसेज सर्विस टैक्स लेवी हुआ करता था। सर्विस टैक्स एंड एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इज द रेवेन्यू, वॉज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। वेट सेल्स टैक्स वॉज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब सर एक एग्जाम्पल से समझाता हूं कि किस तरह से ये टैक्सेस पहले लगते थे, किस तरह से इनका क्रेडिट मिलता था एंड क्या सिस्टम ऑपरेट होता था। अच्छा ये बातें ध्यान रखना, बहुत काम की, क्योंकि इससे ही मैं लिंक कर दूंगा जीएसटी के सारे कॉन्सेप्ट, क्योंकि सर इंसान चेंज हुआ है, आत्मा वही है। मतलब सर इनडायरेक्ट टैक्स के फंडामेंटल जो पहले थे वो अभी भी है इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन के। सर इंसान चेंज हुआ है क्यों? सर क्या था पुराने लॉज के अंदर, सिंस अलग अलग गवर्नमेंट के टैक्सेस थे, अलग अलग टैक्सेस थे, तो वहां बड़ी टेंशन थी, वो लकुना धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। एंड उनको मर्ज करके सिंगल टैक्स लाया, पर आत्मा वही है, इंसान चेंज हुआ है, कपड़े चेंज हुए पर आत्मा वही है। इसलिए आपको एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो यही कॉन्सेप्ट कंटिन्यू हो जाएगा जीएसटी के अंदर, मजा भी आएगा आपको, किस तरह से लिंक होगा जीएसटी मजा आ जाएगा आपको। सरकार देखिए ध्यान से, इनपुट्स, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपने कुछ इनपुट परचेज किए, ओके सर, अब जो इनपुट आपने परचेज किए वो सपोज था 100 का, आपने परचेज किया बेटा 100 का, प्री जीएसटी रिजिम की बात कर रहा हूं सर, मैन्युफैक्चरर से आपने परचेज किया, अब उसने सिंस मैन्युफैक्चर किया इसलिए वो क्या लगाएंगे, एक्साइज लगाएंगे, और मान लो एक्साइज की रेट इज 10%, सपोज एक्साइज रेट इज 10%, तो सर 100 पे 10% हो गया 10 रुपी, टोटल हो गया 110 रुपी। अब सिंस वो मैन्युफैक्चर गुड्स बेच रहे हैं भाई, अब बेचने में क्या लगता है, सेल्स टैक्स, वेट, तो सर सपोज वेट की रेट थी कितनी 4% और वेट लगेगा पूरे 110 पे इंक्लूडिंग एक्साइज ऑल्सो, ओके, तो सर पूरा 110 पे लग गया 4% कम्स टू 4.4, तो टोटल आपका बिल बन गया 114.40 का, टोटल आपका परचेज प्राइस हो गया साहब, क्लियर। ये आपने इनपुट परचेज किया जिसके बिल पे एक्साइज भी लिखा हुआ है और वेट भी लिखा हुआ है। अब सर इस इनपुट को आप यूज करके आप कुछ आउटपुट गुड्स बनाने वाले हैं और उस आउटपुट गुड्स पर एक्साइज भी लेवी होगा क्योंकि आप मैन्युफैक्चर करने वाले हो और जब बेचोगे तब वेट भी लगने वाला है। मान लेते हैं हम इस एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं। Now, whenever you will sell the goods, excise will also be charged and weight will also be charged. Since आपके सेल पर excise लगने वाला है, purchase पे आपने already excise pay किया है, तो जो purchase पे आपने excise pay किया है, उसका आपको क्या मिल जाएगा? Sandwich credit, clear? क्योंकि सर purchase पे already वो tax pay किया, सेल पे वापस वो tax लग रहा है, तो government ने बोला ठीक है purchase पे जो tax pay किया उसका हम तुम्हें क्या दे देंगे? Credit allow कर देंगे, तो हमने credit avail कर लिया, credit was taken, credit available हो गया, sandwich credit, since एक्साइज वॉज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए सेंट्रल वैल्यूएटेड टैक्स सेनवेट, सेनवेट क्रेडिट आपने अवेल कर लिया 10 रुपए का, जो आपने परचेज पे टैक्स पे किया था, क्लियर। अब सिंस आपके सेल पे भी वेट लगने वाला है, परचेज पे भी वेट पे किया है, तो सर जो वेट परचेज पे आपने पे किया उसका क्या मिल जाएगा आपको? वेट क्रेडिट, आप वेट क्रेडिट अवेल कर लेंगे, ले लेंगे, वेट क्रेडिट टेकन, 4.4 जो आपने पे किया उसका क्रेडिट ले लिया, ओके। अब सर आउट ऑफ 114.40 आपको 10 का सैंडविच क्रेडिट मिल गया, 4.4 का वेट क्रेडिट मिल गया, तो आपकी कॉस्ट कितनी बची भाई? 100, योर कॉस्ट इज ओनली रुपीज 100। नाउ
सर ये तो आपकी बेसिक कॉस्ट होगी इनपुट की, फिर आपने अपने खर्चे किए होंगे, मैन्युफैक्चर किया ना भाई आउटपुट गुड्स, आपने अपने ओवरहेड एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपका प्रॉफिट मार्जिन सब कुछ ऐड किया होगा, दैट ऑल कम्स टू रुपीज 40 सपोज। तो सर आपका सेल प्राइस आ गया कितना, 140, 140। ये सेल प्राइस है आपके आउटपुट गुड्स का या आउटपुट सर्विस का। अब ये हम गुड्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं, आउटपुट गुड्स का। अब जब आप मैन्युफैक्चर करके सर फैक्ट्री से निकालेंगे तो क्या लगेगा, एक्साइज, एक्साइज की रेट सपोज है कितना, अगेन 10%, सो 140 का 10% कम्स टू रुपीज 14, तो सर 154 हो गया आपका सेल प्राइस इंक्लूडिंग एक्साइज। अब सर सिंस आप बेच रहे हो इसलिए क्या लगेगा भाई, वेट लगेगा, और वेट की रेट अगेन मान लो 4% है, इट कम्स टू 6.16, 154 का 4% हो गया सर 6.16, और अल्टीमेटली आपका बिल अमाउंट बन गया टोटल कितना, 160.16 इज योर सेल प्राइस, 160.16 इज योर सेल प्राइस। आपने सेल इनवॉइस बना दिया पूरे 160.16 का, जिसमें एक्साइज लिखा है आपने 14, वेट लिखा है 6.16, आपने इनवॉइस कस्टमर को दिया होगा, कस्टमर से 160.16 ले लिया। अब सर 160.16 जो आपने लिया है उसमें से 14 क्या है, एक्साइज है, और 6.16 क्या है, वेट है, ये आपको रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, अपनी रेवेन्यू नहीं है भाई, ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू है। अब सर जब आप गवर्नमेंट को ये टैक्स पे करने जाएंगे, जब आप गवर्नमेंट को ये टैक्सेस पे करने जाएंगे तब क्या होगा वो देखेगा। सर जब 14 रुपया आप एक्साइज पे करेंगे सरकार को, किसको पे करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्यों, क्योंकि सर एक्साइज इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जब सेंट्रल गवर्नमेंट को आप टैक्स पे करने जाएंगे तब आपको याद आएगा, अरे गवर्नमेंट ने हमको बोला था परचेज पे जो हमने एक्साइज पे किया है उसका आपको क्रेडिट अलाउ कर दिया है, और वो क्रेडिट आपकी जब सेल पे लाइबिलिटी आएगी उस लाइबिलिटी को पे करने में उस क्रेडिट को आप यूज कर सकते हैं, तो हमने उसके क्रेडिट को क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो सर आउट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ रुपीज 14, 10 वी हैव पेड थ्रू सेंट्रल क्रेडिट, वी हैव यूटिलाइज्ड द क्रेडिट ऑफ रुपीज 10, 10 का हमने क्रेडिट यूटिलाइज कर लिया और बैलेंस 4 हमने पे कर दिया। तो सर एक तरह से देखा जाए, एक तरह से देखा जाए तो परचेज पे आप ऑलरेडी 10 रुपीज गवर्नमेंट को पे कर चुके थे। सर जब हम कस्टमर को गुड्स बेच रहे हैं तब गवर्नमेंट को 14 रुपीज चाहिए था, 10 आपने ऑलरेडी पे कर दिया था, 4 आपने और पे कर दिया, टोटल गवर्नमेंट को 14 चला गया। तो सर 10 एक तरह से जो आपने एडवांस टैक्स पे किया था परचेज पर, वो क्रेडिट को आपने यूज कर लिया, इस तरह से भी आप समझ सकते हो। तो सर 14 की जो लाइबिलिटी थी उसमें आपने 10 का जो क्रेडिट अवेल किया हुआ था उसको आपने यूटिलाइज कर लिया और बैलेंस 4 पे कर दिया। क्लियर, ओके। सेम वे जब आप वेट पे करने जाएंगे 6.16 का, कस्टमर से आपने 6.16 वेट लिया, ये स्टेट गवर्नमेंट को आपको पे करना है। जब आप स्टेट गवर्नमेंट को पे करने जाएंगे तब ऑलरेडी आपने सर 4.4p वेट का क्रेडिट लिया हुआ है, ये परचेज पे आपने 4.4p वेट पे किया हुआ है। अब परचेज पे अगर आपने 4.14 टैक्स पे किया हुआ है जिसका आपने क्रेडिट लिया था उसका आप यूटिलाइज करेंगे, तो सर 6.16 की लाइबिलिटी को पे करने के लिए आपने क्या कर दिया, 4.4 का वेट क्रेडिट यूटिलाइज कर लिया, एंड वेट क्रेडिट यूटिलाइज करके रिमेनिंग अमाउंट जो था 1.76 आपने क्या कर दिया भाई, पे कर दिया स्टेट गवर्नमेंट को। क्लियर, तो सर दिस इज हाउ यू हैव पेड द टैक्स। अच्छा इस तरह से सिस्टम चलता था किसका, एक्साइज का और वेट का। ओके, वापस से समझने की कोशिश करना। अब मेरा एक क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है भाई, सर क्वेश्चन मेरा ये आ रहा है, चलिए क्वेश्चन मेरा आपके लिए आ रहा है भाई, क्या ये सैंडविच क्रेडिट आप एक्साइज ड्यूटी पे करने में यूज कर सकते हो क्या। हाँ जी, क्वेश्चन मेरा, कैन सैंडविच क्रेडिट बी यूटिलाइज टू पे द लायबिलिटी ऑफ एक्साइज ड्यूटी, आंसर इज यस। क्यों, सैंडविच क्रेडिट वो क्रेडिट है जो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स पे किए और अगेन लाइबिलिटी आप पे कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके लिए आप यूज कर सकते हो। पर क्वेश्चन मेरा ये है नेक्स्ट, क्या सैंडविच क्रेडिट आप वेट की लाइबिलिटी को पे करने में यूज कर सकते हो क्या। कैन सैंडविच क्रेडिट बी यूटिलाइज टू मेक द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ वेट, आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि सैंडविच क्रेडिट दिया आपने आपको किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आपने टैक्स पे किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को, उन्होंने उस टैक्स का आपको क्या दे दिया, क्रेडिट दे दिया। अब जो लाइबिलिटी पे करनी है वो किसको पे करनी है, स्टेट गवर्नमेंट को पे करनी है। तो सर आपने परचेज पे टैक्स पे किया सेंट्रल गवर्नमेंट को और लाइबिलिटी पे करना स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट क्रेडिट देगी बेटा, क्योंकि आपने परचेज पे टैक्स पे किया सेंट्रल गवर्नमेंट को। हाउ द स्टेट गवर्नमेंट विल गेट द रेवेन्यू ऑफ दैट अमाउंट, इसलिए एक्साइज का
क्रेडिट जो आपने लिया, सैंडविच क्रेडिट जो आपने लिया, वो वेट की लायबिलिटी के लिए काम नहीं आएगा। सेम वे सर, कैन वेट क्रेडिट बी यूटिलाइज टू मेक द पेमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ एक्साइज ड्यूटी? आंसर इज नो, क्योंकि वेट क्रेडिट सर स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को आपने टैक्स पे किया। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उसका क्रेडिट कभी देगी? आंसर इज नो, क्योंकि रेवेन्यू गया था स्टेट गवर्नमेंट को, तो क्रेडिट भी देगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट। इसलिए वेट का क्रेडिट सेंडवेट में नहीं मिलता, सेंडवेट का क्रेडिट वेट में नहीं मिलता। आई थिंक बात आपको पूरी समझ में आ गई। चलिए अब बड़ा ही शानदार बात हम करने वाले हैं, बहुत ही शानदार पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला? शायद आपने ये डायलॉग मेरा कई बार सुना होगा, 10 का क्रेडिट क्यों मिला? तो सर जब जब भी आपने मेरे बारे में कभी सुना होगा किसी भी स्टूडेंट से, तो आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला, ये क्वेश्चन तो आपस में डिस्कस कर ही लिया होगा आपने। सर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला? ये सर हम इतनी देर से बात करें, क्रेडिट मिला क्रेडिट मिला क्रेडिट मिला, क्यों मिला, इसका एग्जैक्ट लॉजिक क्या है उसके बारे में हम बात करें बच्चों। तो सर सबसे पहला पॉइंट, 10 का क्रेडिट क्यों मिला? बहुत सारे लोग सोचते हैं क्योंकि सर परचेज पे टैक्स पे किया है इसलिए क्रेडिट मिला है। आंसर सही है पर परफेक्ट नहीं है। सर मैं परफेक्शन के साथ बोलता हूं आपके लिए कि आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला। ये फंडा अगर आपने हर जगह लगा दिया तो जिंदगी जिंगा लाला। ओके सरकार पॉइंट पर आपसे ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला, क्योंकि हम 140 जब हम बेच रहे गुड्स को, when we are selling the goods तो 140 पे पूरे पे टैक्स लग रहा है। क्लियर, पूरी सेल प्राइस रुपीज 140 पे टैक्स लग रहा है, which includes 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है यार। उस 140 में वो 100 भी है जिसपे हम ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है। मल्टीपल टैक्स हो जाएगा उस रुपीज 100 पर। अगर क्रेडिट नहीं दिया तो ये 10 रुपीज कोस्ट का पार्ट बन जाएगा, और कोस्ट का पार्ट बनके अल्टीमेटली ये भी सेल प्राइस का पार्ट बनेगा, और सेल प्राइस वापस अगर टैक्स लगेगा तो टैक्स पे टैक्स लगेगा, विच इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट। इस 100 रुपए पे वापस टैक्स लगेगा उसको बोलते हैं मल्टीपल टैक्सेशन। इस 10 रुपए पर जो हम ऑलरेडी एक्साइज का अमाउंट पे कर चुके हैं, ये अगर इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा तो ये कॉस्ट का पार्ट बनेगा, कॉस्ट का पार्ट बनेगा तो अल्टीमेटली सेल प्राइस का पार्ट बनेगा, और सेल प्राइस का पार्ट बनेगा तो इस टैक्स पे भी टैक्स लगेगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन, टैक्स ऑन टैक्स। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्स एंड कैस्केडिंग इफेक्ट, 10 का क्रेडिट मिला। आई रिपीट आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला, क्योंकि सर टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100। आप चीजों को याद नहीं करिए, समझिए, एक एक चीज को फील करिए, जिंदगी में मजा आएगा आपको, माहौल बनता जाएगा, एंड सर यू विल एंजॉय द स्टडीज। ओके सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये, आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला, क्योंकि सर टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पर टैक्स लग रहा है। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्स एंड कैस्केडिंग इफेक्ट, 10 का क्रेडिट मिला। माहौल सरकार अब आंखें बंद। यस सर आप वीडियो क्लास में बैठे हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, आप मेरे को सुन रहे हो, आप और मैं, आप ध्यान रखिए बेटा ये वीडियो क्लास चल रही है, पर फिर भी आपको और मेरे को ये सोचना है, आप मेरे सामने बैठे हो और हम सर दोनों साथ में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दैट्स इट। भूल जाइए दुनिया को, पूरा ध्यान इधर, माहौल बनना चाहिए। सर ध्यान देना, ये वीडियो क्लास में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों, आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप पूरी दुनियादारी छोड़ दीजिए। देखो वीडियो क्लास में जब हम बैठते हैं तब पूरे कंफर्ट के साथ बैठते हैं, पर हाँ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पढ़ाई करें तो बिल्कुल आप सिंसियरली पढ़ाई करिए, डिसिप्लिन अपना रखिए, अच्छा से पढ़ाई का पोस्चर अच्छे से बैठ के, और फिर आप पढ़ाई करिए, और पूरा ध्यान इधर। और हाँ सर अगर आपके हाथ में मोबाइल है, अगर आप मोबाइल से वीडियो देख रहे हो तो बात अलग है, अदरवाइज सर आप लैपटॉप से वीडियो देख रहे हो और मोबाइल साथ में चला रखा है आपने, व्हाट्सएप देख रहे हो, सोशल मीडिया देख रहे हो, प्लीज इसको दूर रख दीजिए, कंप्लीट साइलेंट मोड पर रख दीजिए, कंप्लीट दूर, मतलब बिल्कुल साइलेंट, वाइब्रेशन मोड भी नहीं होना चाहिए। और हाँ स्क्रीन भी बिल्कुल मोबाइल उल्टा रख दीजिए, मैं तो कह रहा हूँ अलमीरा में रख दो, दूर रख दो सर मोबाइल, दिखे ही नहीं, जब तक लेक्चर चल रहा था तक मोबाइल दिखे ही नहीं, मजा आ जाएगा देखना, मेरी गारंटी है सर। अगर आपने ये बात मान ली, देखना कितना इफेक्टिव आपका पढ़ाई होता है, केवल इंडायरेक्ट टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं,
कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ो ऐसे ही पढ़िया करे। सर अब ध्यान इधर, आंखें बंद, सर अब हम फील करेंगे आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला। तो सर आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला वो हम बात कर रहे हैं। सरकार आंखें बंद, टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है। जस्ट इमेजिन टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है। भाई मल्टीपल टैक्स हो जाएगा, कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्स एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला। ओम शांति शांति। सरकार आंखें खोल सकते हो, देखो ध्यान से, सर 10 का क्रेडिट मिल गया आपको। ओके अब मेरा क्वेश्चन आपसे वापस आता है कि सर दिल थाम के सुनिएगा क्वेश्चन को, आखिर ये 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला। क्वेश्चन क्या है सर? सर अब मेरा क्वेश्चन क्या है, 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर सेम इज द आंसर। अरे भाई सेम आंसर होगा पर आपको बोलना है विद फिगर्स। देखिए ध्यान से, टैक्स जो लग रहा है वो पूरे, अब वेट क्रेडिट की बात करें 4.4 की, टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 154 पे लग रहा है। टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 154 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 110 जिसपे हम ऑलरेडी वेट पे कर चुके हैं, और वापस से पूरे 154 इंक्लूडिंग 110 पे वेट लग रहा है। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्स एंड कैस्केडिंग इफेक्ट वेट का क्रेडिट मिला 4.4 का माहौल। सरकार आई होप बात समझ में आई आपको मेरी। तो आपने अगर नोटिस किया हो तो कॉन्सेप्ट्स आर एब्सोल्युटली सेम, भले वो सैंडविच हो या वेट हो, कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्युटली सेम। चलिए सर अगला क्वेश्चन मेरा आ रहा है आपके लिए कि अगर मेरी सेल पर, दिल थाम के सुनिएगा बच्चों, अगर मेरी सेल पर कोई वेट नहीं लगता, चलिए वेट एग्जेम्प्टेड, नो वेट इज चार्जेबल ऑन माय सेल्स, यू टेल मी परचेज पे वेट पे किया है, सेल पे वेट नहीं है, क्या मेरे को परचेज पे जो वेट पे किया है 4.4, क्या उसका क्रेडिट मिलना चाहिए? आंसर इज नो। देखो मैं बोल रहा हूं इसलिए याद मत करना, बुक्स में लिखा है इसलिए याद मत करना, आपका दिल क्या कहता है आप मुझे बताओ, आखिर सर 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि आपके 140 पे टैक्स लग रहा है। अगर आपके 140 पे टैक्स लगे ही नहीं, अगर आपकी सेल पे टैक्स एग्जम्प्ट है, टैक्स लगता ही नहीं है भाई, तो क्या कोई मल्टीपल टैक्स होगा, क्या कोई कैस्केडिंग इफेक्ट होगा? नहीं ना, तो क्रेडिट भी नहीं मिलना चाहिए। तो सर ध्यान रखना, परचेज पे टैक्स पे किया है इसलिए क्रेडिट मिलता है? आंसर इज नो। सर सेल पे टैक्स लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100, जिसपे हम ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं, वो जो परचेज है आपका वो आपकी सेल प्राइस का पार्ट बन रहा है, और सेल प्राइस पे वापस से टैक्स लग रहा है, परचेज प्राइस पे हम टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो सर वापस से मल्टीपल टैक्स होगा, कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्स एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला। मतलब अगर आपके सेल पे टैक्स एग्जम्प्ट है तो आपका दिल क्या कहता है, क्या परचेज पे जो टैक्स पे किया उसका क्रेडिट मिलना चाहिए? आंसर इज नो। गुड सर, सेम वे ध्यान दीजिए बेटा, सैंडविच क्रेडिट हो या वेट क्रेडिट हो, कुल मिला के बात यह है कि अगर मान लो मेरी सेल पर कोई टैक्स नहीं है, ना एक्साइज है, ना वेट है, ना कोई टैक्स है, तो क्या परचेज पे जो एक्साइज और वेट पे किया है, क्या उसका सैंडविच क्रेडिट और वेट क्रेडिट मिलना चाहिए? आंसर इज नो। आंसर इज नो। ओके सर, अब मेरा पॉइंट आपसे यह है कि मान लो मेरी सेल पे एक्साइज है पर वेट नहीं है। अच्छा ये मत समझना सर कहां पढ़ा रहे हो आप, तो एक्साइज और वेट में चले गए, अभी तो हम जीएसटी पढ़ने वाले। अरे भाई ये लिंक होगा, 2 मिनट भी लगेंगे और सर जीएसटी समझ में आ जाएगा आपको, पहले इनको समझिए आप। सर अगर मेरी सेल पर एक्साइज लगता है पर वेट नहीं लगता, मान लो सर एक्साइज लगता है पर वेट एग्जम्प्टेड है, तो सर ऐसे केस में अगर मैंने परचेज पे एक्साइज पे किया तो यस उसका सैंडविच क्रेडिट मिल जाएगा, पर वेट पे किया तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट।
सेम वे अगर मेरी सेल पर एक्साइज एग्जम्प्ट मान लो पर वेट लगता है, परचेज पे एक्साइज और वेट दोनों पे किया है, तो मुझे सेनवेट क्रेडिट नहीं मिलेगा पर मुझे वेट का क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि आपको और मेरे को पूरा समझ में आ गया कि आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला, आखिर ये 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। अच्छा, मेरी सेल पे दोनों ही टैक्स लगते हैं, दोनों का क्रेडिट मिलेगा। मेरी सेल पे कोई टैक्स नहीं लगता तो कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। शायद बात आपको पूरी एकदम एग्जैक्टली समझ में आ गई सर। ओके, चलिए अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। हम मान लो सर्विस टैक्स की हम बात कर लेते हैं। सर्विस टैक्स सर्विसेज पे लगता था एंड सर्विस टैक्स वॉज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सर सर्विस टैक्स हो या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो, दोनों रेवेन्यू किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो सर अब दोनों ही टैक्स हम पे कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो क्रेडिट भी कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। इसलिए आपने परचेज पर सर्विस टैक्स पे किया हो या एक्साइज पे किया हो, दोनों का सेंट्रल क्रेडिट मिलता है और दोनों का सेंट्रल क्रेडिट आप दोनों के लिए यूटिलाइज कर सकते थे। मतलब आपकी सेल पर सर्विस टैक्स लगे या आपकी सेल पर एक्साइज लगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपकी सेल्स गुड्स की हो, आपकी सेल्स सर्विसेज की हो, उस पे एक्साइज की लायबिलिटी आए या सर्विस टैक्स की लायबिलिटी आए। परचेज पे अगर आपने एक्साइज पे किया या सर्विस टैक्स पे किया, दोनों को एक ही अकाउंट में डालेंगे, उसका नाम होगा सेनवेट क्रेडिट, एंड वो क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ इधर एक्साइज और सर्विस टैक्स और बोथ। कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि दोनों टैक्स किसको पे किया आपने? सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किए। क्लियर? वेट पे किया था आपने स्टेट गवर्नमेंट को, इसलिए उसका क्रेडिट अलग मिलता है साहब, उसका क्रेडिट लिंक नहीं है सेंडवेट क्रेडिट से। ओके, तो सर सर्विस टैक्स हो या एक्साइज हो, दोनों के नाम केवल अलग थे, बाकी सेंडवेट क्रेडिट पर्पज के दोनों टैक्स एक ही है, ये मान लीजिए आप। ओके, क्लियर? तो यहां तक पिक्चर आपकी क्लियर है। तो परचेज पे एक्साइज पे किया हो या सेंडवेट क्रेडिट पे किया हो, सर दोनों का क्या मिलेगा? सेंडवेट क्रेडिट एक ही अकाउंट में जाएगा, सेंडवेट क्रेडिट अकाउंट में। लायबिलिटी भली एक्साइज की हो या सर्विस टैक्स की हो, उस सेंडवेट क्रेडिट को हम क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे और रिमेनिंग अमाउंट हम पे कर देंगे भाई। ओके, अब सर क्वेश्चन आता है अगला, दिल थाम के सुनिएगा, स्टेप बाय स्टेप आगे हम बढ़ रहे। अच्छा भाई सर ध्यान दीजिएगा, जो आपने सेंडवेट क्रेडिट और वेट क्रेडिट पढ़ाया है, जो आपने एक्साइज और वेट पढ़ा है, वही तो सीजीएसटी और एसजीएसटी है सर। कहां चेंज हुआ फंडा? समझे सर, पहले भी रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को जाती थी, अभी भी दोनों को जाएगी सर। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस थे सर, उनको भी मर्ज किया, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस थे उनको भी मर्ज किया, इसलिए जीएसटी में दो टैक्स लगाए, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो सर जो हम देख रहे हैं यहां पर सर, सीजीएसटी और एसजीएसटी हो जाएगा एक तरह से, समझ लीजिए आप। अच्छा, सीजीएसटी किसको पे किया होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। एसजीएसटी किसको पे किया होगा? स्टेट गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्रेडिट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, स्टेट गवर्नमेंट का क्रेडिट स्टेट गवर्नमेंट देगी, इसलिए सीजीएसटी का क्रेडिट कभी भी एसजीएसटी में काम नहीं आता और एसजीएसटी का क्रेडिट कभी भी सीजीएसटी में काम नहीं आता। क्लियर? समझे मेरी बात? इसलिए फंडामेंटल सुनिए, सीजीएसटी एसजीएसटी जीएसटी से मैं इतना अच्छा सा लिंक कर दूंगा, मजा आ जाएगा आपको सर। ओके सर, चलिए अब मैं बात करता हूं प्री जीएसटी रिजिम में, ये क्रेडिट का सिस्टम आपको समझ में आ गया। अब मैं अगले स्टेप की तरफ बढ़ता हूं कि आखिर ये क्रेडिट जो मिलता था उसमें तकलीफ तो आपको यहां दिख नहीं रही है, तो सर क्या तकलीफ थी जिसकी वजह से जीएसटी इतना डेस्परेटली रिक्वायर्ड था हिंदुस्तान के अंदर? तो सुनिए, हम प्री जीएसटी रिजिम की एक सिचुएशन को इमेजिन करते हैं, मजा आएगा जिंदगी में सर। सबसे पहली बात, इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर, तीन सेक्टर है भाई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ट्रेडिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर, इफ वी आर अ मैन्युफैक्चरर, तो ऐसे केस में जब हम गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे और मैन्युफैक्चर करके बेचेंगे तो एक्साइज भी लगने वाला है और वेट भी लगने वाला है। अब सुनेगा ध्यान से, मेरी सेल पर एक्साइज की लायबिलिटी भी है और वेट की लायबिलिटी भी है। परचेज जब मैं करूंगा, भले वो इनपुट परचेज करूं, कैपिटल गुड्स परचेज करूं या इनपुट सर्विसेज परचेज करूं मैं, सर मैं अपने बिजनेस के लिए भले सर्विसेज परचेस कर रहा हूं, मशीनरी वगैरह कैपिटल गुड्स परचेस कर रहा हूं या कोई रॉ मटेरियल या इनपुट वगैरह परचेस कर रहा हूं, तो ऐसे केस में उनके परचेस पे मैंने जो एक्साइज पे किया होगा या मैंने सर्विसेज पे सर्विस टैक्स पे किया होगा, सिंस मेरी सेल पे वापस एक्साइज लगने वाला, इसलिए मुझे उन परचेस पे जो एक्साइज पे किया या सर्विस टैक्स पे किया उसका क्या मिल जाएगा? सेनवेट क्रेडिट। सेम वे जब मैंने परचेज पर वेट पे किया होगा, जब मैंने गुड्स परचेज करी होगी, कैपिटल गुड्स परचेज किया होगा, उनके परचेज में मैंने वेट पे किया होगा स्टेट गवर्नमेंट को, सेल पे अगेन क्या लगने वाला है? वेट लगने वाला है, तो मुझे उस परचेज पे जो वेट पे किया उसका क्या मिल जाएगा? वेट क्रेडिट मिल जाएगा साहब।
तो सर मैंने परचेज भले एक्साइज पे किया हो, सर्विस टैक्स पे किया हो या वेट पे किया हो, मेरे को तीनों का क्या मिलने वाला है? क्रेडिट मिलने वाला है, वेट का वेट क्रेडिट मिल जाएगा, एक्साइज सर्विस टैक्स का सैंडविच क्रेडिट मिल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं माहौल के साथ। ओके सर, तो मैन्युफैक्चरर सेक्टर में देखा जाए तो बहुत मेजर इश्यूज नहीं थे, अब धीरे धीरे समझ में आएंगे बात आपको, आगे और बढ़ते हैं। सेकंड, अगर आप एक ट्रेडर हो भाई, आप ट्रेडिंग करते हो, परचेज करके बेचते हो, यू आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग, यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी सर्विस, तो आपकी सेल पे केवल और केवल क्या लगने वाला है? वेट लगने वाला है। अब सोचिए सर, मान लो ये पेन मैंने क्या किया, परचेज किया और बेच रहा हूं, आई एम अ ट्रेडर ऑफ दिस पेन्स। अब जब मैंने ये पेन परचेज किए होंगे, अब मान लो ये पेन मैंने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेज किए, परचेज पे क्या पे किया होगा? एक्साइज भी पे किया होगा, परचेज पे वेट, मैंने वेट भी पे किया होगा। अब परचेज पे एक्साइज भी पे किया, परचेज पे वेट भी पे किया, पर सेल ऑफ गुड्स पर केवल और केवल क्या लगने वाला है? वेट लगने वाला, क्योंकि मैंने मैन्युफैक्चर नहीं किया है, आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी सर्विस, आई एम नॉट मैन्युफैक्चरिंग एनी गुड्स। अब सेल पे केवल वेट लगने वाला है, परचेज पे मैंने एक्साइज भी पे किया, वेट भी पे किया। सरकार आप मुझे बताइए, जब मेरी सेल पे एक्साइज है ही नहीं, मेरी सेल पे कोई सर्विस टैक्स नहीं है, तो परचेज पे अगर एक्साइज पे किया या सर्विस टैक्स पे किया, क्या किसी का कोई क्रेडिट मिलने वाला है? आंसर इज नो। हाँ, उन गुड्स के परचेज पे जो वेट पे किया, उसका मुझे वेट क्रेडिट मिल जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परचेज पे वेट पे किया, उसका वेट क्रेडिट मिल जाएगा, सेल पे वेट की लाइबिलिटी है, उसके लिए यूज कर लूंगा, दैट्स इट। पर मेजर पार्ट इज परचेज पे जो एक्साइज पे किया, वो पूरा मेरी कॉस्ट का पार्ट बनने वाला है। सोचो आई एम अ ट्रेडर, मैंने मार्केटिंग सर्विसेज लिया आपसे, अरे जमाना है डिजिटल मार्केटिंग का, एडवर्टीजमेंट्स का, सर मैंने मार्केटिंग सर्विसेज ली आपसे, मैंने एडवर्टीजमेंट करवाया आपसे, मैंने कंसल्टेंसी ली आपसे, सर मैंने ऑडिट कराया आपसे, मैंने अकाउंटिंग कराई आपसे, इन सब के परचेज, इन सब सर्विसेज में मैंने क्या पे किया होगा? डेफिनेटली सर्विस टैक्स पे किया होगा। अब मैंने परचेज ऑफ सर्विसेज पे क्या पे किया भाई? सर्विस टैक्स पे किया सर। अब सर्विस टैक्स जो पे किया है, ये पे किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, मेरी सेल पे लाइबिलिटी आई किसकी? वेट की। सर मुझे उस सर्विस टैक्स का एक रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलने वाला, समझे आप? तो सर ये जो ट्रेडर है, इसने जो भी टैक्स पे किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो तो हमेशा इसके दिल में दुखेंगे कि सर इतना सारे टैक्सेस पे किए और एक रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिल रहा, वो उसकी अल्टीमेटली कॉस्ट का पार्ट बन जाता था। इसलिए नॉर्मली ट्रेडर क्या करता था, जब कंसल्टेंसी का बिल लेता था, तब सर्विस सप्लायर को क्या बोलेगा, भाई भले तुम्हारा बिल 10 लाख का है, पर एक काम करना, बिल 2 लाख का ही बनाना, बाकी 8 लाख में कैश में दे दूंगा, 2 नंबर में दे दूंगा आपको मैं, बिल कम का बनाना। क्यों? क्योंकि अगर 10 लाख का बिल बनाएंगे पूरा और उस पर पूरे पे लग जाएगा सर्विस टैक्स, तो पूरा उसकी कॉस्ट का पार्ट बनने वाला है, एक रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा उस परचेज पे जो सर्विस टैक्स पे किया उसका। पर अगर उसने 2 लाख का ही बिल लिया, तो 2 लाख पे जो सर्विस टैक्स पे किया उतना ही उसका लॉस हुआ, बाकी 8 लाख के सर्विस टैक्स का उसका लॉस बच गया। तो सर इस तरह से अंडर बिलिंग के लिए वो हमेशा मोटिवेट करता था सप्लायर को, क्लियर? ये दुख थे क्योंकि उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला, सीधा उसकी कॉस्ट का पार्ट बनने वाला है। सर थर्ड सेक्टर आप देखिए। अच्छा एक और बात, वेट के अंदर ट्रेडिंग के केस में सर, ट्रेडर्स को जो गुड्स उन्होंने परचेज करके बेचा है, उनके परचेज पे जो वेट पे किया उसी का क्रेडिट मिलता था। कई सारे स्टेट गवर्नमेंट ने तो सर कैपिटल गुड्स पे जो वेट पे किया होता, उसका क्रेडिट अलाउ भी नहीं किया होता, कुछ ना अलाउ किया था, 50% फर्स्ट ईयर में, 50% नेक्स्ट ईयर में, मतलब तकलीफें थी, समझे आप? अच्छा आपने अगर इंटरस्टेट परचेज किया है, इंटरस्टेट सेल पे पहले लगता था क्या सीएसटी? सर इंटरस्टेट दूसरे स्टेट से अगर परचेज करके ले आया आप, उस पर सीएसटी पे किया, सीएसटी का कोई क्रेडिट नहीं मिलता था, किसी को भी नहीं मिलता था। मतलब आपने इंटरस्टेट परचेज के लिए तो जितना आपने सीएसटी पे किया, वो पूरी आपकी कॉस्ट का ही पार्ट है, इतना बड़ा दुख था पहले वाले लोग के अंदर। और देखिए आप, इसलिए सर दूसरे स्टेट से परचेज करने में लोग सोचते थे कि हम परचेज करें कि नहीं करें इंटरस्टेट। सर और थर्ड सेक्टर देखिए, सर्विस सेक्टर। सपोज आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर, सपोज के भाई मैं आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर, सर आई एम प्रोवाइडिंग कोचिंग सर्विसेज, कमर्शियल ट्रेनिंग और कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। अब मेरी सर्विसेज भी क्या लगता है भाई? सर्विस टैक्स। अब ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए मैंने लैपटॉप परचेज किया, मैंने आईपैड परचेज किया, मैंने सर कंप्यूटर परचेज किया, कैमरा परचेज किया, सर स्टूडियो लाइट्स परचेज करी, बहुत सारी चीजें परचेज करी। अब इनके परचेज मैंने क्या पे किया? एक्साइज पे किया। इनके परचेज मैंने क्या पे किया? वेट पे किया। मेरी सर्विस पे क्या लग रहा है? सर्विस टैक्स लग रहा है। अब जो एक्साइज पे किया उसका मेरे को क्या मिल जाएगा? सैंडविच क्रेडिट मिल जाएगा, पर जो वेट पे किया उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों?
क्योंकि मेरी सेल भी क्या लग रहा है, केवल और केवल सर्विस टैक्स, मेरी सेल और सर्विसेज पर कोई वेट नहीं लगता। तो सर मुझे सैंडविच क्रेडिट मिल जाएगा पर वेट क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, मैंने आपसे एडवर्टीजमेंट सर्विसेज ली, मार्केटिंग सर्विसेज ली, कुछ अदर इनपुट सर्विसेज ली, उन पे जो सर्विस टैक्स पे किया उनका भी क्रेडिट मिल जाएगा, पर सर्विसेज पर वेट नहीं लगता। इसलिए परचेज पे अगर वेट पे किया तो कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला। ओके, तो सर हमको लैपटॉप का क्रेडिट मिल जाएगा, कंप्यूटर का क्रेडिट मिल जाएगा, आईपैड का क्रेडिट मिल जाएगा, जो भी कैपिटल गुड्स हम परचेज कर रहे हैं उन सब का क्रेडिट मिल जाएगा, पर परचेज बिल पे क्या होना चाहिए, एक्साइज लिखा हुआ होना चाहिए। वेट का क्रेडिट नहीं मिलता पर एक्साइज का क्रेडिट मिलता है, पर एक्साइज लिखा होना चाहिए बिल पे। अब आप मुझे बताओ एक्साइज का क्रेडिट मिलेगा कब, अगर परचेज बिल पे एक्साइज लिखा होगा तब। अब परचेज बिल पे एक्साइज कौन लिख सकता, जो एक्साइज पे करता। एक्साइज कौन पे करता, मैन्युफैक्चरर पे करता। मतलब अगर मेरे को एक आईपैड का क्रेडिट लेना है तो यह आईपैड में परचेज करूंगा मैन्युफैक्चरर से या इंपोर्टर से। इंपोर्टर पे एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगती थी जो एक्साइज के बराबर होती थी, 3-1 CVD जिसको बोलते थे। तो सर मेरे को कैमरा का क्रेडिट लेना है, मेरे को कंप्यूटर का क्रेडिट लेना है, आई शुड बाय डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। आप सोचिए, आई एम लोकेटेड इन मुंबई अंधेरी, ये कैनन कैमरा जो है वो कैनन का है। अब आप मुझे बताओ ये कैनन का कैमरा, इसका अगर मुझे क्रेडिट लेना है तो आई शुड बाय दिस डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। अब आपको पता है कैनन का कैमरा मैन्युफैक्चर कहां होता है, मेरे को भी नहीं पता। चलो बेंगलुरु में परचेज होता है। अब बेंगलुरु में अगर परचेज होता है या गुरुग्राम में परचेज होता है, क्या आपको लगता है कि वो एक कैमरा लेने के लिए मैं फैक्ट्री जाऊंगा, मैन्युफैक्चरर के पास जाऊंगा, और सर सोचो मैं वहां चला भी गया, क्या वो एक कैमरा बेचने के लिए बैठा है क्या? वो मैन्युफैक्चरर है यार। मैंने उसको बोला एक कैमरा भेजना, सुन ला एक ट्रक भर के कैमरा भेजो, मैंने कहा एक ट्रक भर के नहीं भाई, एक कैमरा, बोला बाहर निकल चल। मतलब गवर्नमेंट बोलती है कि यस मंगल सर्विस सप्लायर्स को सैंडविच क्रेडिट मिल जाएगा एक्साइज का, पर परचेज बिल पे एक्साइज लिखा होगा तो क्रेडिट मिलेगा ना। अब आप सोचिए ऑपरेशनली कितना दिक्कत था, परचेज बिल पे एक्साइज कौन लिख सकता है, मैन्युफैक्चरर। मतलब मेरे को डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से परचेज करना होगा। अब क्या मैं मैन्युफैक्चरर से परचेज करने जाऊंगा, सोचिए आप, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, वेरी रेयरली इट इज पॉसिबल। अब तो सोचिए आप, मेरे को एक कैमरा परचेस करना है, लैपटॉप परचेस करना है, सर म्यूजिक सिस्टम परचेस करना है, साउंड सिस्टम परचेस करना है, माइक परचेस करना है, किससे परचेस करूंगा? सर मेरे क्लासेस के पास है, मेरे ऑफिस के पास में जो नियर बाय शोरूम होगा, कोई दुकान होगी, वहां से मैं परचेस करूंगा। सर कोई मैन्युफैक्चरर के पास जाऊंगा नहीं मैं। अब सर जिस शोरूम से मैंने परचेस किया, जिस दुकान से मैंने परचेस किया, वो एक ट्रेडर है, और ट्रेडर बिल पे क्या लगाएगा, वेट लगाएगा, और वेट का कोई क्रेडिट मेरे को मिलता नहीं। आई एम अ सर्विस सप्लायर, सर्विस टैक्स लगता है मेरी सर्विसेज पर, परचेज भी लिख के आया क्या, वेट, वेट का क्रेडिट मिलता नहीं। हाँ क्रेडिट मिलता किसका है, एक्साइज का, वो बिल पे लिखा नहीं। मतलब जो चाहिए वो है नहीं, जो है वो चाहिए नहीं। डोंट लिंक इट विद द लाइफ, ओके, जिंदगी से लिंक मत करा सर। हाँ सर दिल की बात कह दी सर, हमको जिंदगी में जो चाहिए वो है नहीं सर, और जो है वो चाहिए नहीं। ओए ओए मेरे को देख के ऐसे मत बोलो सर, मेरा पॉइंट आपसे ये है कि जिंदगी ऐसी थी पहले प्री जीएसटी रिजिम में कि सर सर्विस सप्लायर, मैं मेरी खुद की बात कर रहा हूं सर, पिछले 12 सालों से पढ़ रहा हूं और सर सबको पढ़ रहा हूं, 10 का क्रेडिट क्यों मिला, 10 का क्रेडिट क्यों मिला, पर प्रैक्टिकली मेरे को खुद को भी क्रेडिट नहीं मिल पा रहा था। क्यों? क्योंकि बिल पे परचेज बिल पे एक्साइज लिखा होना चाहिए, वो होता नहीं था, बिल पे होता था वेट, जिसका क्रेडिट मेरे को मिलना नहीं था। तो सर सोचिए आप, अब सर्विस सप्लायर का दिल कितना दुखेगा, वो हमेशा जो गुड्स परचेज करेगा सप्लायर को क्या बोलेगा, बिल मत ले भाई, टैक्स माफ कर दे, मेरे को बिल नहीं चाहिए, चल कैश में पेमेंट कर देता हूं। हाँ है ना सर, इस वजह से ये जो विदाउट टैक्स के ट्रांजेक्शन थे, जो कैश के ट्रांजेक्शन थे, तो सर बहुत होते थे इस वजह से। कारण ये क्या, इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन स्मूथ नहीं थी सर, क्रेडिट पास ऑन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था, इसलिए देयर वाज अ नीड ऑफ अ सिस्टम।
इसलिए देर वॉज अ नीड ऑफ अ सिस्टम जो इन सब इल इफेक्ट को इरेडिकेट कर दे, अल्टीमेटली सर इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन को स्मूथ कर दे और कस्टमर जो भी गुड्स परचेज कर रहा है उसको अगर क्रेडिट मिलेगा तो अल्टीमेटली उसकी कॉस्ट कम होगी, वो अपना कॉस्टिंग अपने बिजनेस के लिए यूटिलाइज करेगा। सर ये अननेसेसरी मल्टीपल टैक्सेशन कैस्केडिंग इफेक्ट, इसमें उसका कॉस्ट नहीं बढ़े, इस वजह से देर वॉज अ नीड ऑफ अ सिस्टम जो इन सबको हटा पाए। और सर गवर्नमेंट ने वही से सपना देखना शुरू कर दिया, सपना को देखना शुरू नहीं कर दिया, सपना देखना शुरू कर दिया, ड्रीम। सर पॉइंट मेरा आपसे ये है, सपना देखना शुरू कर दिया कि एक दिन ऐसा टैक्स आएगा, एक दिन ऐसा एक टैक्स आएगा जो इन सबको मर्ज करके सिंगल टैक्स बन जाएगा। एंड सर सिंगल टैक्स में परचेज पे जीएसटी, सेल पे जीएसटी, परचेज पे जीएसटी, सेल पे जीएसटी, परचेज पे टैक्स पे किया उसका क्रेडिट सेल के लिए मिल जाएगा और कोई लोड नहीं होगा। एंड सर गवर्नमेंट को सपना था कि यस एक दिन जीएसटी आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। एंड सर ले आया, मोदी जी ले आए, जीएसटी को ले आए 1 जुलाई 2017 से। यस बहुत सारी वर्किंग हुई और सर उस वर्किंग के बाद ले आए जीएसटी। अब आप सोचिए जीएसटी अगर आ गया, आ गया क्या, आ गया सही में आ गया सर, अब सोचिए आप जीएसटी आने के बाद क्या होगा। मैं मैन्युफैक्चरर हूं, ट्रेडर हूं या सर्विस सप्लायर हूं, सर सेल पे क्या लगाऊंगा, जीएसटी, परचेस पे क्या आएगा, जीएसटी। सर सेल पे जीएसटी, परचेस पे जीएसटी, कोई क्रेडिट में दिक्कत नहीं आएगी, स्मूथ चेन बन जाएगी, माहौल बनता जाएगा। एंड सर जबरदस्त वे में इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन का फ्लो बन जाएगा। दिस वॉज द ड्रीम बिहाइंड जीएसटी। अब आपको इतनी जो खुशी हो रही है, एग्जैक्टली यही खुशी मुझे भी हुई और देश की जनता को भी हुई जिस दिन जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ। पर हाँ कुछ हर्डल्स थी इसके अंदर, कुछ सिस्टम्स की जरूरत थी। अब आप सोचिए सर जीएसटी अगर ले आएंगे तो जीएसटी किसका रेवेन्यू होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा या स्टेट गवर्नमेंट का होगा। सिंस हमारी जो गवर्नमेंट है वो ड्यूअल गवर्नमेंट बेस्ड सिस्टम हमारा, इसलिए ड्यूअल जीएसटी मॉडल इंट्रोड्यूस किया जीएसटी के अंदर, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का, 50% स्टेट गवर्नमेंट का सीजीएसटी और एसजीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया। तो सर हर परचेज पर सीजीएसटी लगेगा, साथ में एसजीएसटी भी लगेगा, और जितना सीजीएसटी लगेगा उतना ही एसजीएसटी लगेगा, इक्वल टैक्स। सरकार एंड दे केम आउट विथ ड्यूअल जीएसटी सिस्टम। एंड सर जीएसटी आ गया, परचेज पर अपने सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया, सेल पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लग रहा, सी का ग्रेड सी के लिए, एस का ग्रेड एस के लिए, कोई दिक्कत नहीं, भली मैं मैन्युफैक्चरर हूं, भली मैं ट्रेडर हूं, भली मैं सर्विस सप्लायर हूं, मैं सेल पे सीजीएसटी भी लगाऊंगा और एसजीएसटी भी लगाऊंगा, परचेज पे सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों पे किया हुआ है, दोनों का ग्रेड दोनों के लिए मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सॉरी कोई हर्डल नहीं आएगी, माहौल बनता जाएगा। पर सर सिस्टम इतना जितना इजी दिख रहा उतना है नहीं। सर अब थोड़ा हम आगे बढ़े, अगर हम आगे जीएसटी भाई आगे हम जीएसटी पे, अब हम अगर थोड़ा सिस्टम में आगे बढ़े तो सर हमारे देश में 28 स्टेट्स है, 28 स्टेट्स, और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो सर कैसे टैक्सेस को एक साथ इंप्लीमेंट किया जाए और कैसे सेम टैक्स होगा, क्योंकि अभी मैंने बहुत फास्ट वे में इजीली आपको बोल तो दिया कि जितना सीजीएसटी होगा उतना ही एसजीएसटी होगा, कैसे होगा सर? सर सारी स्टेट गवर्नमेंट माननी चाहिए, पर सर केवल मानने से बात नहीं चलेगा, सारी स्टेट गवर्नमेंट को अपना अपना एसजीएसटी एक्ट पास करना पड़ेगा। जैसे महाराष्ट्र में अगर है तो महाराष्ट्र स्टेट जीएसटी एक्ट, गुजरात जीएसटी एक्ट, राजस्थान जीएसटी एक्ट, मध्य प्रदेश जीएसटी एक्ट, दिल्ली सरकार, हर स्टेट का अलग अलग जीएसटी एक्ट पास हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सीजीएसटी एक्ट अलग से पास हुआ है, हाँ है ना। अब क्वेश्चन मेरा आपसे आता है कि अगर सारी स्टेट के एक्ट अलग होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट अलग होगा, तो सर नो डाउट सीजीएसटी और एसजीएसटी आ गया, पर हर स्टेट गवर्नमेंट ने अगर अगेन अपने अपने हिसाब से अगर एसजीएसटी एक्ट बना दिया तो लौट के बुद्धू घर को आए, वन नेशन वन टैक्स तो हो नहीं पाएगा। हर स्टेट में जिस तरह से प्री जीएसटी वेट लॉज, हर स्टेट वाइज अलग अलग वेट लॉ थे, सेम वे जीएसटी आने के बाद भी हर स्टेट के अंदर स्टेट लॉ एसजीएसटी अगर अलग अलग हो गए तो जो मेजर बेनिफिट मिलना चाहिए था, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, वो हो ना पाएगा। इसलिए सरकार ने डिसाइड किया कि सर जो सीजीएसटी एक्ट में होगा वही एसजीएसटी एक्ट में लिखा होगा,
मतलब ये भी बोल सकते हो आप, जो एसजीएसटी एक्ट में लिखा होगा वही सीजीएसटी एक्ट में भी लिखा होगा, मतलब एब्सोल्युटली सेम एक्ट होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी एक्ट पास करेगी और स्टेट गवर्नमेंट, रेस्पेक्ट टू सारी स्टेट गवर्नमेंट, वही सेम एसजीएसटी एक्ट पास करेगी। बस जहां जहां सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा वहां वहां स्टेट गवर्नमेंट लिखा होगा, पर हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल, सोचिए आप। सर सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी बीजेपी की सरकार है, चलो किसी स्टेट में कांग्रेस की सरकार हुई या किसी और पार्टी की सरकार हुई, वो क्यों मानेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात? या सर आज मान लो वेस्ट बंगाल, ममता दीदी, उनका अगर मान लो कोई डिस्प्यूट है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो क्या करेंगे? एसजीएसटी एक्ट में कुछ अमेंडमेंट कर देंगे। और जैसे अभी मैंने बताया आपको कि एसजीएसटी एक्ट में अगर कोई अमेंडमेंट हुआ, कोई चेंज हुआ, तो सारे एक्ट सेम होने चाहिए, इसलिए वो चेंज फिर बाय फोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर चेंज करना पड़ा तो सारी स्टेट गवर्नमेंट को भी चेंज करना पड़ेगा। सर मतलब फिर तो रोज ये जीएसटी जीएसटी खेलेंगे। सर तुम हमको परेशान करो, हम तुमको परेशान करें, आप और हम सब परेशान रहे, मस्त रहे जिंदगी, ऐसा सोचिए आप। इसलिए अगर हर स्टेट गवर्नमेंट का एसजीएसटी एक्ट अलग हो गया, सीजीएसटी एक्ट अलग हो गया, कितनी तकलीफ होने वाली है। इसलिए सबने बोला नहीं 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 नहीं, एक्ट तो सब में सेम होगा, नो डाउट। हर स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट स्टेट गवर्नमेंट पास करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट पास करेगी, पर एक्ट सेम होगा, ये सेम कौन बनाएगा? झगड़े तो रोज जाएंगे सर। इसलिए सबने मिलकर एक काउंसिल बनाई जिसका नाम क्या था? जीएसटी काउंसिल, जिसके लिए आप सुनते होंगे कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये डिसीजन हुए। तो जीएसटी काउंसिल क्या है? इट्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। जीएसटी काउंसिल के अंदर क्या है साहब? सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स भी है और हर स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी है। सर जिसके चेयरमैन है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर है वो इसके चेयरमैन रहेंगे सर। अब सर सारी सेंट्रल गवर्नमेंट, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर एक काउंसिल बनाई जिसका नाम क्या रखा? जीएसटी काउंसिल। अब ये जीएसटी काउंसिल क्या करने वाली है? सर जीएसटी काउंसिल, अगर पूरे जीएसटी एक्ट में कोई भी चेंज करना है तो पहले काउंसिल उसको अप्रूव करेगी। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में वो डिस्कस होगा, फिर वो अप्रूवल देगी, एंड जीएसटी काउंसिल क्या करेगी? अपनी रिकमेंडेशन भेजेगी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जो रिकमेंडेशन दिया है जीएसटी काउंसिल ने वही अमेंडमेंट सारे स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने रेस्पेक्टिव एसजीएसटी एक्ट में करेगी, और वही अमेंडमेंट या चेंजेस सर सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी, एक साथ करेगी, और सर जीएसटी काउंसिल की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि जीएसटी काउंसिल का मतलब क्या हो गया? सारी स्टेट गवर्नमेंट ने एग्री किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एग्री किया है। जीएसटी काउंसिल ने बोला है मतलब सर सारे स्टेट भी एग्री है सारे, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी एग्री है, तब जाके जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देगा, और वो कंपलसरी है कि सारे एक्ट में अमेंडमेंट साथ में करना पड़ेगा। तो जीएसटी काउंसिल ही एक ऐसी काउंसिल है जिसने सारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को साथ में लेकर एक्ट बनाया है, साथ में लेकर सर एक्ट को इंप्लीमेंट करवाया है, और अगर कोई अमेंडमेंट करना है, कोई चेंजेस करने, तो वो जीएसटी काउंसिल के थ्रू ही होंगे। इसलिए जहां जहां आप सीजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे या एसजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे, जहां जहां गवर्नमेंट को पावर दिया हुआ है कुछ चेंजेस करने का, वहां लिखा है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। जैसे किसी गुड्स पर एग्जम्पशन देना है, सर्विसेज पर एग्जम्पशन देना है, तो वहां लिखा है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल गवर्नमेंट कैन गिव द एग्जम्पशन। On the recommendation of the GST Council, government can decide what is the rate of tax. Sir, जहां जहां amendment करने के power government को है, वहां वहां on the recommendation of the GST Council लिखा है, भले आप CGST Act पढ़ लीजिए सर, SGST Act पढ़ लो या IGST Act पढ़ लो सर। समझा मेरी बात? तो सर this is how GST Council का एक बहुत बड़ा role है इस GST के implementation में और इसके consistency में सर। समझा मेरी बात? इसलिए सर जीएसटी काउंसिल बोलेगी तो अमेंडमेंट होंगे, और अमेंडमेंट होंगे तो सारे एसजीएसटी एक्ट में प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट में साथ में होंगे। सरकार आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर? समझा मेरी बात? ओके चलिए एक और बात मैं आपसे शेयर करता हूं मस्त वाली। सर देखना ध्यान से यार। सर अभी हमने बात करी कि सारी स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट अलग अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट अलग है सर, तो टोटल जीएसटी में एक्ट कितने बन गए वो समझना आप ध्यान से। सर एक तो बन गया सीजीएसटी एक्ट,
ओके सर, हमारे हिंदुस्तान में 28 स्टेट्स है, तो एसजीएसटी एक्ट बन गए 28 स्टेट्स के हिसाब से, 28 स्टेट एक्ट बन गए सर, प्लस 8 यूनियन टेरिटरी बेटा, 8 यूनियन टेरिटरी में से 3 यूनियन टेरिटरी के अपने अपने स्टेट लेजिस्लेचर है, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। सर 8 यूनियन टेरिटरी में से 3 यूनियन टेरिटरी दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी, इन तीनों का अपना अपना स्टेट लेजिस्लेचर है। आपने सुना होगा दिल्ली आम आदमी पार्टी सरकार, जम्मू एंड कश्मीर अलग से गवर्नमेंट है। तो सर दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये तीनों का अपना अपना स्टेट लेजिस्लेचर है, इसलिए इन तीनों का अपना अपना एसजीएसटी एक्ट भी अलग से है, इसलिए टोटल 31 एसजीएसटी एक्ट बन गए सर। कितने? 31 एसजीएसटी एक्ट्स। अब रिमेनिंग 5 यूनियन टेरिटरी प्लस अदर टेरिटरी जो भी इंडिया की है, उन सबके लिए एक यूटी जीएसटी एक्ट भी बनाया गया, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में भी तो लगेगा जीएसटी सर, तो उसके लिए सर एक यूटी जीएसटी एक्ट बनाया गया, जो रिमेनिंग यूनियन टेरिटरीज में इंप्लीमेंट होगा सर। क्लियर? अब सर अगला क्वेश्चन जो आता है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा तो आपको दो बातें और समझ में आएगी। अब सर मान लो एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं तो मजा आएगा आपको, अभी तक तो मैंने जो बात बताई वो शायद आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम सर, मान लो मैं हूं महाराष्ट्र में, आप है महाराष्ट्र में, जय महाराष्ट्र, जय हिंदुस्तान। अब सर मैंने कोई गुड्स या कोई सर्विसेज आपको महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में बेची है, मान लो रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, तो 9% सीजीएसटी होगा, 9% एसजीएसटी होगा, आप भी महाराष्ट्र में, मैं भी महाराष्ट्र में, सर चलिए ध्यान इधर, आप भी महाराष्ट्र में, मैं भी महाराष्ट्र में, इंट्रा स्टेट गुड्स या सर्विसेज मैंने बेची है आपको, तो जीएसटी लगेगा और सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, 18% टैक्स मतलब 9% सीजीएसटी लगेगा, 9% एसजीएसटी लगेगा, एंड बिल मान लो 1 लाख रुपए का था, 1 लाख प्लस 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी मतलब महाराष्ट्र एसजीएसटी, और मैंने आपको बिल बना के दे दिया, आपसे टैक्स लिया और रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट को पे कर दिया। क्लियर मालिक? समझना बात को ध्यान से। सर मैं महाराष्ट्र में, आप महाराष्ट्र में, मैंने कोई गुड्स आपको सप्लाई करी है, महाराष्ट्र के मंगल ने महाराष्ट्र के एम को कोई गुड्स बेची है सर या सर्विसेज बेची। अब सर आपसे जो मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी लिया होगा, उसमें से सीजीएसटी मैंने पे कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, एसजीएसटी मैंने पे किया होगा महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को सर। अब आप महाराष्ट्र के एम, उसने क्या किया, वो गुड्स कहां बेची? गुजरात बेच दी। दिल थाम के सुनिएगा सर, अब आपने वो गुड्स गुजरात बेच दी, अब आप मुझे बताओ गुड्स कहां गया? महाराष्ट्र से गुजरात गया। अब बताओ रेवेन्यू किसको मिलना चाहिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को या गुजरात गवर्नमेंट को? क्या इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा देंगे? अगर एसजीएसटी लगाएंगे, देखो सीजीएसटी लगेगा तो डेफिनेटली एसजीएसटी लगेगा। अब एसजीएसटी कौन सा लगाए, गुजरात वाला लगाए या महाराष्ट्र वाला लगाए? झगड़ा होगा ना सर, इसलिए गवर्नमेंट बोल दिया न सीजीएसटी न एसजीएसटी, या लगाओ आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दो मिनट पेशेंस रखना, समझ में आएगी पिक्चर की आईजीएसटी का रोल क्या है। तो सर सीजीएसटी और एसजीएसटी मर्ज करके सर सिंगल टैक्स लगा दिया आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो सीजीएसटी की जो रेट होगी प्लस एसजीएसटी की जो रेट होगी वो लग जाएगी आईजीएसटी की रेट, और सर 18% का टैक्स है तो 18% क्या लग जाएगा भाई, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दिल थाम के सुनेगा, मान लो मैंने जो गुड्स आपको बेची थी उस पर 1 लाख रुपए जीएसटी पे किया था, 1 लाख रुपए एसजीएसटी पे किया था, 1 लाख पे किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, 1 लाख पे किया महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को। अब जब गुड्स आपने बेची होगी कहां पर, महाराष्ट्र से गुजरात, जब महाराष्ट्र से गुजरात आपने बेची तो मान लो 3 लाख वॉज दी आईजीएसटी, आपने जो सेल प्राइस रखी उस पर 18% मान लो आ रहा 3 लाख रुपए इज द आईजीएसटी। अब क्वेश्चन ये आता है आईजीएसटी किसका रेवेन्यू है, अभी टेम्पररी समझ लो, कोई किसी का आईजीएसटी किसी का भी रेवेन्यू नहीं है, ये आईजीएसटी एक बार कलेक्ट करेगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसे एक सेपरेट अकाउंट है आईजीएसटी अकाउंट, आईजीएसटी फंड अलग से एक फंड है सर। अब सर आपकी सेल पे है आईजीएसटी, परचेस पे आपने पे किया सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, परचेस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया, इंटरस्टेट सप्लाई पर आईजीएसटी लग रहा, क्या आईजीएसटी के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर क्रेडिट नहीं मिलेगा तो वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट का लग गए सर, बैंड बज गई सर, हाय ना। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं नहीं,
इंटर स्टेट सप्लाई पे जो आईजीएसटी लग रहा है, यस, उसको पे करने के लिए परचेज पे आपने भले ही आईजीएसटी पे किया हो, परचेज पे भले ही आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया हो, हम आपको क्रेडिट अलाउ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। ओके मालिक, दिल थाम के सुनिएगा। अब आपने क्या किया होगा, आईजीएसटी 3 लाख की लाइबिलिटी को पे करने के लिए 1 लाख रुपए सीजीएसटी का क्रेडिट यूज किया होगा, 1 लाख रुपए महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के क्रेडिट को यूज किया होगा, और बैलेंस जो 1 लाख बचा है वो आपने पे कर दिया होगा। अब फंड्स का मूवमेंट कैसा होगा, समझना बात को ध्यान से। सर, जब इनिशियली मैंने आपसे 1 लाख रुपए सीजीएसटी और एसजीएसटी लेके गवर्नमेंट को पे किया होगा, तब 1 लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया और 1 लाख रुपए महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को पे किया था मैंने, क्लियर। पर अब वो आपने जो मेरे को टैक्स पे किया था उसका क्रेडिट आपने यूज कर लिया आईजीएसटी के लिए, तो सर गवर्नमेंट ने एक सेक्शन बना रखा है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जितना क्रेडिट आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन बैठा है, इसका सेक्शन नंबर 17 और 18, जितना क्रेडिट सीजीएसटी का यूज आया है आईजीएसटी को पे करने के लिए, जितना क्रेडिट एसजीएसटी का यूज आया है आईजीएसटी को पे करने के लिए, सर उतना अमाउंट उस रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट से लेकर उस आईजीएसटी फंड में ट्रांसफर किया जाएगा। तो सर आईजीएसटी का अल्टीमेटली 3 लाख बचते टैक्स, 1 लाख तो आपने कैश में पे किया होगा, कैश मतलब ऑनलाइन पे किया, मतलब अल्टीमेटली पे किया होगा, 1 लाख रुपए सीजीएसटी का क्रेडिट यूज किया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से 1 लाख रुपए लेके सीजीएसटी अकाउंट से निकाल के आईजीएसटी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सर स्टेट गवर्नमेंट का 1 लाख रुपए, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का 1 लाख रुपए क्रेडिट काम आया किसके लिए, आईजीएसटी की लाइबिलिटी को पे करने के लिए, तो 1 लाख रुपए महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को बोलेंगे, ओ भाई 1 लाख रुपए आपको आया था ना, वापस दो, और वो ट्रांसफर करेंगे फंड किसमें, आईजीएसटी अकाउंट में। तो आईजीएसटी अकाउंट में 3 लाख रुपए आ गए बेटा, 3 लाख रुपीज हैव बीन डिपॉजिटेड इन आईजीएसटी अकाउंट। नाउ व्हाट इज द अमाउंट इन द सीजीएसटी अकाउंट एंड एसजीएसटी अकाउंट, 0, कोई अमाउंट उनके पास नहीं बचा, क्लियर। ओके, अब सर गुड्स कहां पहुंच गई, गुजरात, पैसा कहां पड़ा है, आईजीएसटी अकाउंट में, कितना 3 लाख रुपए। ओके, अब गुजरात के मिस्टर जी ने, गुजरात के ही, चलो गुजरात के मिस्टर जी ने राजस्थान के मिस्टर आर को गुड्स बेच दिया। सर अब सोचिए, गुजरात से गुड्स कहां गया, राजस्थान गया, अगेन क्या हो गया, इंटर स्टेट सप्लाई हो गया, मान लो उस पर 4 लाख बोझ दिया आईजीएसटी, तो सर सेल पे आईजीएसटी 4 लाख, परचेस पे आईजीएसटी पे किया 3 लाख रुपए, तो सर 3 लाख का क्रेडिट यूज कर लिया एंड रिमेनिंग रुपीज 1 लाख इज पेड टू दी आईजीएसटी अकाउंट, सो अल्टीमेटली 1 लाख अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन आईजीएसटी अकाउंट, सो टोटल अमाउंट इन आईजीएसटी अकाउंट इज 4 लाख रुपए। अब साहब गुड्स कहां पहुंच गया, राजस्थान के आर के पास, आईजीएसटी लग के गया 4 लाख रुपया, और 4 लाख रुपए कहां पड़े, आईजीएसटी अकाउंट पड़े। अब गुड्स कहां है, राजस्थान में, राजस्थान के आर ने राजस्थान के जे को गुड्स बेच दिया, एंड सर राजस्थान के आर ने राजस्थान के जे को गुड्स बेचा है, सिंस इट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई विद इन द स्टेट सप्लाई, तो सीजीएसटी और आरजीएसटी, राजस्थान जीएसटी, हाँ है ना बच्चों, ये लगेगा। सपोज 5 लाख वॉज दी टैक्स, आउट ऑफ विच 2.5 लाख क्या हो गया सीजीएसटी एंड 2.5 लाख इज एसजीएसटी, राजस्थान एसजीएसटी, क्लियर। अब सर मिस्टर आर की सेल पर 2.5 लाख सीजीएसटी है, 2.5 लाख एसजीएसटी जो उसने राजस्थान के जे से कलेक्ट किया, क्लियर। अब सर उसने परचेस भी पे किया 4 लाख रुपए आईजीएसटी, अब आईजीएसटी क्रेडिट अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए अलाउ नहीं करे तो सर 4 लाख रुपए तो उसी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के बैंड बज जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट बोला, अरे चिंता ना करो, आपने इंटरस्टेट परचेज किया हो या इंटरस्टेट परचेज किया हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, आपने अगर परचेज पर आईजीएसटी पे किया हम उसका क्रेडिट अलाउ करेंगे। सर आईजीएसटी क्रेडिट आईजीएसटी के लिए भी काम आता है, आईजीएसटी क्रेडिट सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए भी काम आता है। तो सर 4 लाख रुपए हमने पे किया था क्या आईजीएसटी, अब लायबिलिटी किसका, सीजीएसटी और एसजीएसटी का, कोई दिक्कत नहीं सर। सर 2 लाख रुपए आपने पे किया था क्या, सॉरी 4 लाख रुपए पे किया था आपने आईजीएसटी, 2.5 लाख सीजीएसटी की लायबिलिटी, 2.5 लाख एसजीएसटी की लायबिलिटी है, आप चाहे तो 2 लाख रुपए सीजीएसटी में क्रेडिट यूज कर लीजिए आईजीएसटी का, और 2 लाख रुपए एसजीएसटी में यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 2 लाख यूज किया, रिमेनिंग 50,000 आपकी लायबिलिटी बच गई सीजीएसटी और एसजीएसटी रेस्पेक्टिवली, आपने 50,000 रुपए गवर्नमेंट को कैश जमा करा दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को 50,000 और स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को 50,000, क्लियर। अब सर या फिर आप चाहे तो क्रेडिट को पूरा 2.5 लाख पहले यूज कर लो सीजीएसटी में और फिर रिमेनिंग 1.5 लाख यूज कर लो एसजीएसटी में और 1 लाख रुपए आप पे कर दो एसजीएसटी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जितना आईजीएसटी का क्रेडिट यूज किया सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए उतना आईजीएसटी अकाउंट से पैसा निकाल के रेस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। मींस 2 लाख रुपए, 2 लाख ईच आपने यूज किया सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए, तो सर ऐसे केस में क्या होगा, आईजीएसटी अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाल के कहां ट्रांसफर करेंगे,
सीजीएसटी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, एंटीगुला ग्रुप निकाल के सर राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और 50,000 आपने ऑलरेडी पे कर दिया कैश कहां पर, रेस्पेक्टिव सीजीएसटी और एसजीएसटी के अकाउंट में। तो आप मुझे बताइए सीजीएसटी और एसजीएसटी अकाउंट में टोटल अमाउंट कितना आ गया? सर सीजीएसटी और एसजीएसटी के अकाउंट में 2.5 लाख ईच आ गया। अच्छा राजस्थान के आर ने राजस्थान के जे को 2.5 लाख सीजीएसटी लिखा था, 2.5 लाख एसजीएसटी लिखा था, 2 लाख का आईजीएसटी क्रेडिट यूज किया रेस्पेक्टिवली और 50,000 उसने पे किया और टोटल फंड भी अब कितना रह गया 2.5 लाख सीजीएसटी अकाउंट में, 2.5 लाख राजस्थान एसजीएसटी अकाउंट में। अब आप मुझे बताओ सर राजस्थान का जे जो था वो मान लो था एंड कंज्यूमर, उसने वो गुड्स अपने पर्सनल यूज में काम नहीं, वो कोई बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहा। अब आप मुझे बताओ चेन खत्म, क्लियर, ही इज द एंड कंज्यूमर, आगे कोई क्रेडिट मिल नहीं रहा, आगे कोई क्रेडिट ले नहीं रहा, खत्म। अब आप मुझे बताओ रेवेन्यू किसके पास रह गई 2.5 लाख, अल्टीमेटली इन गुड्स पे 5 लाख रुपए का टैक्स कलेक्ट हुआ, आउट ऑफ दैट रुपीज 5 लाख, 2.5 लाख इज गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 2.5 लाख इज गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, बट विच स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा 50% सीजीएसटी का था सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो तो गया कोई दिक्कत नहीं, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को वैसे ही मिलना था। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है जो रिमेनिंग 50% था एसजीएसटी वाला वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को मिला मेरे दोस्त? गुड्स मैन्युफैक्चर का हुआ महाराष्ट्र, उसको कुछ नहीं मिला, वहां से निकल के आईजीएसटी में गया था। गुड्स गया गुजरात में, उनको कुछ नहीं मिला। गुड्स गया कहां? राजस्थान में, जहां पे गुड्स कंज्यूम हुआ, जो गुड्स का अल्टीमेट डेस्टिनी था, क्लियर। तो सर न मिला महाराष्ट्र को, न मिला गुजरात को, रेवेन्यू ले गया राजस्थान को, रेवेन्यू पूरा मिल गया राजस्थान को। अब आप मुझे बताओ सर गुड्स मैन्युफैक्चर का हुआ महाराष्ट्र में, कहां से आया? महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से राजस्थान, अल्टीमेटली गुड्स का डेस्टिनेशन क्या था? अल्टीमेटली गुड्स का कंजम्पशन का हुआ राजस्थान, क्लियर। अल्टीमेटली रेवेन्यू किसको मिली? राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को मिली सर, इसलिए जीएसटी को बोला जाता है डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। क्या बोला जाता है भाई? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। अब सर इसलिए जैसे ही जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ, जीएसटी बेस्ड कंजम्पशन टैक्स बन गया, जितने भी कंज्यूमर बेस्ड स्टेट्स थे जहां पे कंज्यूमर का बेस ज्यादा था उनके तो मजे हो गए सर, उनकी रेवेन्यू बढ़ गई। और जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट्स थे जहां मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होती थी, वहां के लोग मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं सर, और गुड्स मैन्युफैक्चर होके कंज्यूम किसी और स्टेट में हो रहा है, तो टैक्स तो किसको मिल रहा है? कंज्यूमर बेस्ड स्टेट को मिल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट्स को तो रेवेन्यू नहीं मिल रहा। जबकि जब पहले वेट था, जब जीएसटी से पहले सर वेट सिस्टम था, तो उसमें इंटर स्टेट सेल पे स्टेट गवर्नमेंट को सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स मिलता था, एंड सीएसटी का जो पैसा था वो उसी रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता था जहां से गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ है, जहां से गुड्स बाहर जा रहा है। और सर सीएसटी का क्रेडिट पहले परचेजर को नहीं मिलता था, बायर को नहीं मिलता था, इसलिए प्री जीएसटी रिजिम में मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट्स को रेवेन्यू का फायदा था, उनको पैसा ज्यादा मिलता था रेवेन्यू का टैक्सेस का सीएसटी की वजह से। पर सर किस्मत बदलते वक्त नहीं लगता, किस्मत बदलते वक्त नहीं लगता, इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अबे ओए पॉइंट पर आपसे यह है कि सर जैसे ही जीएसटी आया, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट्स की रेवेन्यू हो गई कम, कंज्यूमर बेस्ड स्टेट्स की रेवेन्यू हो गई बढ़ गई, मजा आ गया उनको। तो आप मुझे बताओ जब जीएसटी लाना है कि नहीं लाना, ये जब डिस्कशन चल रहा था तब सारी स्टेट गवर्नमेंट को ये बात तो पता है कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होने वाला है, और जो कंज्यूमर बेस्ड स्टेट ज्यादा है उनको मजा आने वाला है, और मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को नुकसान होने वाला है। तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट्स थे उन सब ने बोल दिया हम तो जीएसटी के साथ नहीं है, वी डोंट एक्सेप्ट द जीएसटी। और आपको पता जब तक सारी स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तो हिंदुस्तान में जीएसटी इंप्लीमेंट ना हो पाएगा। तो सर इस वजह से सारी स्टेट गवर्नमेंट जिनको जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट्स थे वो नाराज हो जाएंगे सर सरकार से, बोला हम तो जीएसटी नहीं लाने देंगे, हमारे को नुकसान हो रहा, हम क्यों लाने दें, हमको क्या फायदा है इसमें। इसलिए एक और नया एक्ट बनाना पड़ा, एक और नया एक्ट बनाना पड़ा सर, नाम रखा जीएसटी ब्रैकेट में कंपनसेशन टू स्टेट्स ब्रैकेट क्लोज एक्ट 2017, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017, एक नया एक्ट बनाना पड़ा सरकार को। और बोला कि जिन भी मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को, चलो मैं मेरे को देखो आप,
जिन भी मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को जीएसटी इंट्रोड्यूस होने के बाद अगर लॉस होता है, किसी भी स्टेट को अगर जीएसटी इंट्रोड्यूस होने के बाद रेवेन्यू का लॉस होता है, उनकी वेट की रेवेन्यू जो थी उसके उसको कंपेयर करेंगे जीएसटी के रेवेन्यू से, अगर वो कम हुई तो जितना कम हुआ उसको हम कंपनसेट करेंगे। कंपनसेट करेंगे तो सर पैसा कहां से आएगा? तो सर कुछ गुड्स जो आप खाते हो ना बेटा, टोबैको, सिगरेट्स, पान मसाला, गुटखा सर, एरेटेड वाटर्स एंड मोटर व्हीकल्स जो हम यूज करते हैं सर, इन पे एक एडिशनल टैक्स लगाया गया जिसका नाम था क्या, जीएसटी कंपनसेशन सेस थ्रू जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। इस एक्ट के थ्रू जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया गया कुछ गुड्स में, और वो सेस का जो रेवेन्यू होगा वो एक सेपरेट अकाउंट में रखा जाएगा, और उस फंड को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उन सब स्टेट गवर्नमेंट्स को जिनको लॉस हुआ जीएसटी इंट्रोड्यूस होने से। नो डाउट ये एक्ट हमारे कोर्स में नहीं, पर थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दे देता हूं इसका। इसमें क्या किया, 2015-16 जो फाइनेंशियल ईयर था, 2015-16 जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें जो हर स्टेट गवर्नमेंट का वेट का रेवेन्यू था, सेल्स टैक्स का जो रेवेन्यू था उसको एक बेस अमाउंट रख लिया गया कि दिस इज द बेस रेवेन्यू, कि इतना हर स्टेट गवर्नमेंट का वेट का रेवेन्यू है। अब सर अगले 5 साल तक हम हर साल देखेंगे कि आपका जीएसटी का, एस जीएसटी का रेवेन्यू कितना हुआ। अगर आपका एस जीएसटी का रेवेन्यू कम हो गया तो जितना अमाउंट कम हुआ उतना आपको कंपनसेट करेंगे उस फंड से, उतना अमाउंट उस रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। पर गवर्नमेंट ने बोला भाई इन्फ्लेशन कौन कंसिडर करेगा, सबकी सैलरी बढ़ती, सबकी रेवेन्यू बढ़ती, हमारा भी तो बढ़ना चाहिए। तो सर 14% एक रेवेन्यू इंक्रीजिंग फैक्टर रखा गया कि 2015-16 का एक बेस रेवेन्यू मान लो 1000 करोड़ था किसी एक स्टेट का, हर साल इसको 14% से मल्टीप्लाई करके इंक्रीज कर देंगे, फिर नेक्स्ट ईयर उसका 14% और बढ़ा देंगे, मतलब क्यूमुलेटिव बढ़ता जाएगा। एंड सर उस रेस्पेक्टिव ईयर की रेवेन्यू को कंपेयर करेंगे किससे, एस जीएसटी की रेवेन्यू से। अब एस जीएसटी का जो रेवेन्यू रहा होगा वो 14% ऐड करने के बाद जो रेवेन्यू बनता है, सर अगर ज्यादा था, अगर एस जीएसटी का एक्चुअल रेवेन्यू ज्यादा था तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि वापस लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। पर सर अगर कम था तो जितना कम था उतना जीएसटी कंपनसेशन सेस का जो फंड है उसमें से उतना अमाउंट उस रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो सर ये एक और एक्ट बनाया है जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017, शायद पिक्चर आपको पूरी समझ में आ गई, क्लियर। तो सर जो लोग भी तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, पान मसाला गुटखा खाते हैं, वो लोग तो जीएसटी इंप्लीमेंट करने में बहुत मदद करी उन लोगों ने, उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद है, वो अपनी जान दांव पे लगा के उन स्टेट गवर्नमेंट को फंड दे रहे जिनको जीएसटी आने के बाद लॉस हुआ है। सैल्यूट है आपके कमिटमेंट को, देश प्रेम के लिए आप इतना कुछ कर रहे हो, मजा आ गया अबे हो, टोबैको सिगरेट्स वगैरह नहीं लेने का कभी भी, ओके क्लियर माहौल। तो सरकार इस तरह से जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट अलग से बन गया, और इंटरस्टेट सेल भी क्या लगता है, अभी हमने बात करी आईजीएसटी, तो एक आईजीएसटी एक्ट भी बनाया, और एक और जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 एक और, क्लियर। तो देखा जाए तो सर हम सोचते थे एक ही एक्ट आएगा, पर आए कितने एक्ट, प्रैक्टिकली एक सीजीएसटी एक्ट, 31 रेस्पेक्टिव स्टेट के एसजीएसटी एक्ट, एक यूटीजीएसटी एक्ट, एक आईजीएसटी एक्ट, और एक जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट, टोटल कितने हो गए भाई, 35 एक्ट हो गए टू इम्प्लीमेंट द जीएसटी, टोटल 35 एक्ट इंट्रोड्यूस हो गए साहब। आई होप बात आपको समझ में आ रही है, क्लियर। पर हाँ एज फार एज आर सिलेबस इज कंसर्न, आपको 35 एक्ट देखकर डरना नहीं है। हमारे सिलेबस की अगर हम बात करें तो हमारे सिलेबस में सीजीएसटी एक्ट आता है और आईजीएसटी एक्ट आता है बस। पर हाँ जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं आपको कि अगर आपने सीजीएसटी एक्ट पढ़ लिया, मतलब आपको हर स्टेट का एसजीएसटी एक्ट भी आता है, वर्ड टू वर्ड सेक्शन नंबर सहित एब्सोल्युटली सेम बातें लिखी है, केवल 2-3 सेक्शन में कुछ फर्क था, वो भी ट्रांजिशनल प्रोविजन में था, वन टाइम काम था उनका, अब वो काम के नहीं है, क्लियर। केवल और केवल आपने अगर सीजीएसटी पढ़ लिया, मतलब सारे स्टेट गवर्नमेंट के सारे एक्ट पढ़ लिए, क्योंकि एब्सोल्युटली सेम, इसलिए तो कहा है वन नेशन वन टैक्स। और हाँ सरकार वन नेशन वन टैक्स, क्योंकि सारे
स्टेट गवर्नमेंट के जो एक्ट है वो एब्सोल्युटली सेम है जो सीजीएसटी एक्ट में लिखा। प्लस अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यूटीजीएसटी एक्ट जो एक्ट बना हुआ है सरकार, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि सीजीएसटी के सारे प्रोविजंस यहां पे भी लगने वाले हैं, और बस एक चार्जिंग सेक्शन दे दिया यूनियन टेरिटरी के लिए बेटा, इसलिए वो भी पूरा सेम है, छोटा सा एक्ट है, पर पढ़ने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। प्लस इंटर स्टेट सप्लाई पर, इंटर स्टेट सप्लाई पे क्या लगने वाला है, आईजीएसटी लगने वाला है, क्लियर। तो उसका चार्जिंग सेक्शन दिया आईजीएसटी एक्ट बना के, प्लस उसमें हम पढ़ेंगे जब तब बताऊंगा मैं आपको, प्लेस ऑफ सप्लाई को डिफाइन किया, बहुत अच्छे से डिफाइन किया, डिटेल में डिफाइन किया सर, और इंटरस्टेट से रिलेटेड दो तीन जो प्रोविजंस और वहां रिक्वायर्ड थे वो डिफाइन किया। बहुत बड़ा एक्ट नहीं है, केवल 25 सेक्शंस का एक एक्ट है आईजीएसटी एक्ट, वो हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में आएगा, क्लियर। और जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट, ये हमारे सिलेबस में नहीं आता, पर उसका मोटा मोटी मैंने बातें आपको समझा दी है, क्लियर। तो अगर आपने एक सीजीएसटी एक्ट पढ़ लिया और एक आईजीएसटी एक्ट पढ़ लिया तो समझ लो लगभग लगभग सारे एक्ट आपको आ गए। इसलिए वन नेशन वन टैक्स, और हाँ वन मार्केट क्यों बोलते बताता हूं मैं आपको, क्योंकि पहले क्या था, हर स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग एक्ट थे वेट लॉज, और वहां पे हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने हिसाब से वेट की रेट लगाई हुई थी। पर अब जीएसटी आने के बाद जो सीजीएसटी की रेट है वही हर स्टेट की एसजीएसटी की रेट है। प्लस पहले इंटर स्टेट परचेज करने पे सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, जिसका परचेजर को, बायर को कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट, कोई क्रेडिट नहीं मिलता था। अब इंटरस्टेट परचेज करने पे आईजीएसटी लगेगा और उसका पूरा क्रेडिट आपको मिलने वाला है। इसलिए पहले क्या होता था, दूसरे स्टेट से अगर परचेज करना तो पहले से हम सोच करते थे कि इतना जो सीएसटी लगने वाला उसका हमको क्रेडिट नहीं मिलने वाला, वो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अगर वही गुड्स हमारे स्टेट से परचेज करेंगे तो उस पर वेट लगेगा तो हमें क्रेडिट मिल जाएगा। तो इंटरस्टेट परचेज करने पे पहले गुड्स महंगा होता था, अभी नहीं होगा। अब आप अपने स्टेट से परचेज करो या किसी और स्टेट से परचेज करो, उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करो या आईजीएसटी पे करो, अगर क्रेडिट मिलना है तो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट कहा जाता है इसको, क्लियर। आई होप आपको बात पूरी समझ में आई कि सर किस तरह से जीएसटी आया, क्यों जीएसटी आया, कितने एक्ट जीएसटी में बन गए, शायद पूरी बातें आपको समझ में आ गई। माहौल भारत माता की जय। तो सर ये था आपका इंट्रो रिगार्डिंग जीएसटी, किस तरह से जीएसटी आया, क्लियर। अब हम अगले लेक्चर से शुरू करेंगे जीएसटी एक्ट, क्लियर। तो सर जीएसटी के टेक्निकल प्रोविजंस विल बी बिगनिंग विद द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट लेक्चर। तो सर शायद आपको समझ में आया कि आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला। ओके, एक और बात, डेली बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा है प्लीज हैव अ क्लिक ऑफ दोज स्लाइड्स आफ्टर द एंड ऑफ द लेक्चर। हम सारे जो स्लाइड्स है उसको एक फोटो खींच लेंगे, सो दैट आप अपनी वर्कबुक में, अपनी नोटबुक में आप उसको नोट कर पाए, क्लियर। और ड्यूरिंग द लेक्चर जब हम बात करें तब आप और मैं केवल बात करेंगे, क्लियर। आप मेरे को कंसंट्रेशन से सुनोगे सो दैट आपको सारे टॉपिक अच्छे से यहां समझ में आ जाए और टाइम आपका वेस्ट नहीं हो। ओके, तो चलो सर अभी मैं सबसे पहले शुरू करता हूं कि किन किन स्लाइड्स को आपको कॉपी करना है जो भी मैंने लिखा है उसके रिगार्डिंग। सर सबसे पहले टैक्सेस सब्सिडी इन जीएसटी, ये तो आपको आपकी बुक में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। तो आपको ये कॉपी करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है कि आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला, क्लियर। आपको चाहिए तो सर आप अगर मेरे चेहरे से नफरत करते तो ये लो साहब, हट गए हम सामने से आपके, कर लो कॉपी। ओके, यू कैन हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड, आप प्लीज फोटो खींच लीजिए सो दैट आपका टाइम कम लगे क्लासेस में, और आप अपने अपना पोर्शन जो है ये जो मैं लिखवा रहा हूं ये आप जरूर आफ्टर द लेक्चर इसको कॉपी जरूर करना बेटा नोटबुक में। माहौल चलिए ये भी कॉपी कर लो, आपको ध्यान रहेगा। डन, चलिए माहौल के साथ ऑल दी बेस्ट, ऐसे ही पढ़ते रहिए, मन लगा के चीजों को समझते रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच माहौल, थैंक यू।